हेलो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर स्टडी वंस अगेन। इसके पहले वाली वीडियो में आप लोगों को मैं द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर इसका 9वां और 10वां पैसेज पढ़ाया था। आज फिर आगे बताते हैं 11वां पैसेज। करें इफ यू वुड एक्वायर ओवरकमिंग पावर, इफ यू वुड एक्वायर, यदि आपको हासिल करना हो, इसका मतलब है यदि आपको प्राप्त करना हो ओवरकमिंग पावर, विजय प्राप्त करने वाली शक्ति, यदि आपको विजय प्राप्त करने वाली शक्ति हासिल करनी हो, यू मस्ट कल्टिवेट, तो आपको विकसित अवश्य करना चाहिए। यदि आपको विजय प्राप्त करने वाली ताकत, विजय प्राप्त करने वाली शक्ति एक्वायर करना हो, हासिल करना हो, तो आपको विकसित अवश्य करना चाहिए। क्या विकसित करना चाहिए? वाइज एंड पैसिविटी। वाइज मीन्स हार्मनी, सामंजस्य, संतुलन, एंड पैसिविटी, सहिष्णुता, सहनशीलता। एक वाक्य हुआ, यदि आपको विजय प्राप्त करने वाली शक्ति हासिल करनी हो तो आपको वाइज एंड पैसिविटी, संतुलन और सहिष्णुता, सामंजस्य और सहिष्णुता, सहनशीलता अवश्य विकसित करना चाहिए। यू मस्ट बी एबल, आपको योग्य अवश्य होना चाहिए। यू मस्ट बी, आपको अवश्य होना चाहिए। एबल मीन्स योग्य, आपको योग्य अवश्य होना चाहिए। किस चीज के योग्य होना चाहिए? टू स्टैंड अलोन, अकेले खड़े होने के योग्य होना चाहिए। आपको अकेले खड़े होने के योग्य अवश्य होना चाहिए। ऑल पावर इज एसोसिएटेड, संपूर्ण शक्ति इज एसोसिएटेड, जुड़ी हुई होती, संगठित होती है विद इमोबिलिटी, अडिगता से ही। मूव से बना है ये, मूव माने दिख जाना, हट जाना, टल जाना। इमोबिलिटी अडिगता, स्थिरता। ऑल पावर इज एसोसिएटेड विद इमोबिलिटी, ये संपूर्ण शक्ति स्थिरता से ही, अडिगता से ही जुड़ी हुई होती है। द माउंटेन, पर्वत, मैसिव रॉक, विशाल काय चट्टान, स्टॉर्म ट्राइड ओक, ये स्टॉर्म है, स्टॉर्म ट्राइड ओक, तूफान का आजमाया हुआ ओक नामक वृक्ष, तूफान को झेला हुआ कह सकते हैं, तूफान को, तूफान का सामना किया हुआ ओक नामक वृक्ष। ये चीजें, तीन चीजें बताए, पर्वत, विशाल चट्टान और तूफान से आजमाया हुआ शाहबलूत ओक नामक वृक्ष। ऑल स्पीक टू अस ऑफ पावर, ऑल स्पीक टू अस, ये सभी चीजें हमें बताती हैं पावर, शक्ति की बात। ये सभी चीजें हमें शक्ति की बात बताती हैं, बिकॉज, क्योंकि, सॉरी, बिकॉज ऑफ के कारण, डियर कंबाइंड, अपनी संयुक्त, सॉलिटरी ग्रैंडियर,
एकाकी गरिमा। अपनी संयुक्त एकाकी गरिमा के कारण ये सभी चीज़ें हमें शक्ति की बात बताती हैं। एंड डिफेंड फ्लेक्सिटी और स्थिरता को चुनौती देती हैं। एंड डिफेंड फिक्सिटी और स्थिरता को चुनौती देती हैं। पूरा मिलाएंगे आपको कहना होगा कि पर्वत, विशालकाय चट्टान और तूफान से अजमाया हुआ ओक नमक वृक्ष, ये सभी चीज़ें अपनी संयुक्त एकाकी गरिमा के कारण, सॉलिटरी मतलब एकाकी, ग्रैंडियर मतलब गरिमा, कंबाइंड मतलब संयुक्त, ये सभी चीज़ें अपनी संयुक्त एकाकी गरिमा के कारण हमें शक्ति की बात बताती हैं और स्थिरता को चुनौती देती हैं। व्हाइल जबकि द शिफ्टिंग सैंड मतलब स्थान बदलते हुए बालू के कण, अर्थात उड़ते हुए बालू के कण, यील्डिंग ट्विग झूमती हुई शाखाएं, यील्डिंग ट्विग मतलब झूमती हुई डालियां, एंड द वेविंग रीड और लहराता हुआ नरकट स्पीक टू अस ऑफ वीकनेस, ये हमें कमजोरी की बात बताते हैं। बिकॉज क्योंकि दे आर मूवेबल, वे चलायमान होते हैं, गतिमान होते हैं, एंड नॉन रेसिस्टेंट और अप्रतिरोधी होते हैं। क्योंकि वे चलायमान और अप्रतिरोधी होते हैं, एंड आर अटरली यूजलेस, और वे पूर्ण रूप से तब बेकार हो जाते हैं, अटरली मतलब पूर्ण रूप से यूजलेस बेकार, व्हेन डिटैच्ड फ्रॉम देयर फेलोज, व्हेन डिटैच्ड जब अलग कर दिया जाता है, अटैच मतलब जोड़ दिया जाना, डिटैच मतलब अलग कर दिया जाना, फ्रॉम देयर फेलोज उनके साथियों से, जब उन्हें उनके साथियों से अलग कर दिया जाता है। पूरा मिलाएंगे जहाँ से फुल स्टाफ नहीं है, फुल स्टाफ मिलेगा आपको इधर देखिए, द माउंटेन से लेकर द माउंटेन, द मैसिव रॉक, द स्टॉर्म टाइड ओक ऑल स्पीक टू अस ऑफ पावर बिकॉज ऑफ दियर कंबाइंड सॉलिटरी ग्रैंडियर एंड डिफेंड फिक्सिटी फिक्सिटी वाइल द शिफ्टिंग सैंड, द यील्डिंग ट्विग एंड द वेविंग रीड स्पीक टू अस ऑफ वीकनेस बिकॉज दे आर मूवेबल एंड नॉन रेसिस्टेंट एंड आर अटरली यूजलेस व्हेन डिटैच्ड फ्रॉम देयर फेलोज। आपको कहना होगा कि ये पर्वत, विशालकाय चट्टान और तूफान का सहन किया हुआ, तूफान के द्वारा आजमाया हुआ शाहबलूत नमक वृक्ष, ये सभी चीज़ें हमें, ये सभी चीज़ें अपनी संयुक्त एकाकी गरिमा के कारण हमें ताकत की बात बताते हैं और स्थिरता को चुनौती देते हैं। जबकि उड़ते हुए बालू के कण, झूमती हुई डालियां और लहराता हुआ नरकट, ये सभी चीज़ें हमें कमजोरी की बात बताते हैं, क्योंकि वे चलायमान है और अप्रतिरोधी हैं, तथा उस समय वो पूर्ण रूप से बेकार हो जाते हैं जब उन्हें उनके साथियों से अलग किया जाता है। ही इज द मैन ऑफ पावर, ही इज द मैन ऑफ पावर, वह ही शक्तिशाली व्यक्ति होता है, वह ही शक्तिशाली व्यक्ति है, हु जो, व्हेन जब ऑल हिज फेलोज आर एस्ट्रेड बाय सम इमोशन आर पैशन,
जब उसके सभी फेलोज, उसके सभी साथी और स्वेट बह गए हों सम इमोशन और पैशन, किसी भावना या उद्वेग में। करें वह शक्तिशाली व्यक्ति होता है जो, उसके बाद इसे इस क्लाज को ब्रेक कर दिया गया, कमा लगा दिया गया, दूसरी क्लाज लिख दी गई, हु जो है वो काम के साथ जुड़ जाएगा। लास्ट जो अंतिम तीन शब्द लिखे हैं, रिमेन्स काम एंड अनमूव्ड, हु रिमेन्स जो रहता है काम एंड अनमूव्ड, शांत और स्थिर। कह रहे हैं कि वही शक्तिशाली व्यक्ति होता है जो शांत और स्थिर रहता है, हु रिमेन्स काम एंड अनमूव्ड, जो शांत और स्थिर रहता है। कब? वही शक्तिशाली व्यक्ति होता है जो उस समय भी शांत और स्थिर रहता है जब ऑल हिज फ्लोज आर स्वेड बाय सम पैशन और इमोशन। जो वही शक्तिशाली व्यक्ति होता है जो उस समय भी शांत, बिल्कुल शांत और अडिग रहता है जब उसके सभी साथी किसी भावना या उद्वेग में बह गए होते हैं। ठीक, इस तरह से आपको मैं इस 11वें पैसेज की एक हिंदी बताया। अंग्रेजी में आप इसे बताना चाहेंगे तो कहना होगा, इन दिस पैसेज द ऑथर टेल्स अस द सीक्रेट ऑफ पावर। इन हिज व्यू द डेवलपमेंट ऑफ मेंटल पीस एंड टॉलरेंस इज द चीफ की ऑफ पावर। डेवलपमेंट ऑफ मेंटल पीस एंड टॉलरेंस इज द चीफ की, इज द मेन की ऑफ पावर। इफ वी कल्टिवेट दीज क्वालिटीज इन आवर कैरेक्टर, वी शैल बी एबल टू स्टे अलोन, बिकॉज ऑल स्ट्रेंथ इज कंबाइंड विद टेनेबिलिटी। The writer counts the mountain and oak tree. The writer counts the mountain and oak tree as powerful because they have power to face any condition on account of their solitude grace and they challenge the firmness and they challenge the firmness. On the other hand, the shifting sand, waving branches of trees and reed are the mark of frailty, are the mark of weakness. Giving the reason of his thinking, he says that these things are temporary and have no power to face the circumstances all alone. These things become completely valueless when they are separated from their fellows. In the last sentence of this passage, the writer defines a real powerful man. According to the writer, he may be called a powerful man who remains quiet and fixed, who remains quiet and steady at the moment when all his friends are full of emotion or passion
when all his friends are full of emotion or passion and are astray. अब अगला पैसेज पढ़ें, यह देखो करें कि ही वनली मतलब केवल वह ही वनली का मतलब केवल वह ही, केवल वह व्यक्ति इज फिटेड फिट होता है, उपयुक्त होता है टू कमांड एंड कंट्रोल, आदेश देने में और नियंत्रित करने में। केवल वह व्यक्ति ही आदेश देने और नियंत्रित करने में करने के लिए फिट होता है, उपयुक्त होता है, हु है सक्सीडेड जो सफल हो चुका हो इन कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग हिमसेल्फ, स्वयं को आदेश देने में और स्वयं को नियंत्रित करने में। करें कि दूसरों को आदेश देने के लिए या नियंत्रित करने के लिए केवल वह व्यक्ति उपयुक्त होता है जो स्वयं को आदेश देने में और स्वयं को नियंत्रित करने में सफल हो चुका हो। द हिस्टेरिकल मतलब मूर्छालू, हिस्टेरिकल मतलब मूर्छालू, जिसको मूर्छा जल्दी आ जाती हो। द फियरफुल भयभीत डरपोक थॉटलेस मूर्ख विचारहीन फ्रेवोलस निम्न सोच के लोग, फ्रेवोलस मतलब छोटी सोच के लोग। लेट सच सीक ऐसे लोगों को ढूंढने दीजिए कंपनी साथ, ऐसे लोगों को दूसरों का साथ ढूंढने दीजिए। किन लोगों को? द हिस्टेरिकल्स द फियरफुल द थॉटलेस एंड फ्रेवोलस। मूर्छाल लोगों को मतलब भावुक लोगों को कह सकते हो। डरने वाले लोगों को, विचारहीन और तुच्छ लोगों को, छोटी सोच जैसे वाले लोगों को साथ ढूंढने दो, और अन्यथा दे विल फॉल, वे गिर जाएंगे फॉर लैक ऑफ सपोर्ट सहयोग की कमी से, क्योंकि अन्यथा वे सहयोग की कमी से गिर जाएंगे। बट किंतु द काम शांतचित रहने वाले लोग, फियरलेस निर्भीक लोग, थॉटफुल विचारशील लोग, ग्रेव गंभीर लोग। लेट सच सीक ऐसे लोगों को ढूंढने दीजिए सॉलिट्यूड ऑफ फॉरेस्ट जंगल का एकांत, ऐसे लोगों को जंगल का एकांत ढूंढने दीजिए। कैसे लोगों को? शांतचित लोगों को, निर्भीक लोगों को, विचारशील लोगों को और गंभीर स्वभाव वाले लोगों को। ऐसे लोगों को जंगल का एकांत, द डेजर्ट, सुनसान स्थान या रेगिस्तान, माउंटेन टॉप किसी पर्वत की चोटी ढूंढने दीजिए। करें हैं कि किंतु शांतचित रहने वाले, निर्भीक विचारशील और गंभीर सोच वाले लोगों को जंगल का एकांत, कोई रेगिस्तान या पर्वत की चोटी ढूंढने दीजिए। एंड मोर पावर विल बी एडेड, और ज्यादा शक्ति जुड़ जाएगी टू दियर पावर, उनकी ताकत में, और उनकी ताकत में और भी ऊर्जा आ जाएगी। एंड दे विल मोर एंड मोर सक्सेसफुल्ली, और बहुत ही सफलतापूर्वक स्टेम रोक लेंगे, और वे बहुत ही सफलतापूर्वक रोक लेंगे द साइक्लिक करंट्स, उन मनोधाराओं को। साइक्लिक करंट्स मतलब मनोधाराएं, एंड वेल पुल्स और भावनों को, विच एनगल्फ मैनकाइंड, जो मानव को डुबो देती है। एनगल्फ मतलब डुबो देना, सिंक।
देखिए ये पूरा पैसेज जो है दो ही वाक्य है, एक बार मैं इसको दोनों वाक्य को फिर से बता देता हूं। कह रहे हैं कि केवल वह ही आदेश देने और नियंत्रित करने के काबिल होता है, केवल वह ही आदेश देने और नियंत्रित करने के योग्य होता है, के लिए उपयुक्त होता है, जो खुद को स्वयं को आदेश देने में और नियंत्रित करने में सफल हो चुका हो। एक वाक्य हो गया। अब दूसरा वाक्य है, कह रहे हैं कि मूर्छालु डरपोक विचारहीन छोटी सोच वाले जैसे लोगों को साथ ढूंढने दीजिए, अन्यथा वे सहयोग की कमी में गिर जाएंगे। किंतु शांतचित निर्भीक विचारशील और गंभीर स्वभाव वाले जैसे लोगों को जंगल का एकांत, रेगिस्तान, किसी पर्वत की चोटी ढूंढने दीजिए और उनके ताकत में, उनकी शक्ति में और भी ऊर्जा जुड़ जाएगी तथा वे बहुत ही सफलतापूर्वक उन मनोधाराओं को रोक लेंगे, नियंत्रित कर लेंगे और भावों को रोक लेंगे जो कि मानव को डुबोती है। दो ही वाक्य है। अब इसकी अंग्रेजी कहना है तो कहेंगे कि हेयर द राइटर डिक्लेयर्स, हेयर द राइटर डिक्लेयर्स दैट क्वालिटीज ऑफ अ मैन, द क्वालिटीज ऑफ अ मैन हु इज सुटेबल टू कमांड एंड कंट्रोल द अदर्स। कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग आर द मूवमेंट्स विच मे नॉट बी परफॉर्म्ड बाय एवरीवन जनरली। वी कैन काउंट सुटेबल टू कमांड एंड कंट्रोल टू द मैन हु हैज सक्सीडेड इन कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग हिमसेल्फ। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ओनली अ मैन ऑफ सेल्फ कंट्रोल may be counted as suitable for commanding and controlling the others. Now the author gives a comparison between successful and failure people. Now the author gives a comparison between successful and the failure people. In his view, the emotional, timid, and the people of mean mentality always look for company, otherwise they cannot stay for long and will fall soon. On the other hand, the calm, courageous and meditating people always look for the loneliness of forest, desert and the mountain top. As the result,
दे विल अचीव मोर एंड मोर पावर देन ईवर. After getting solitude, such people will be stronger and they will prevent the psychic waves and whirlpools which sink the whole humanity. In other words, we can get success through our own alone struggle. This is the main learning of this passage. Okay, thanks.